गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट, और प्रीपोजिशन में हमने इन का यूज किया, एट का यूज किया, ओके स्टूडेंट, ऑन का यूज किया, और नेक्स्ट जो हमारा है स्टूडेंट वो है फ्रॉम। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम मीन्स होता है से, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। और इसमें स्टूडेंट पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए बात की जाती है, तो पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे और क्लासेस बिगेन फ्रॉम फर्स्ट मार्च। फर्स्ट मार्च मीन्स स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट मार्च दिया हुआ है स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय दिया हुआ है स्टूडेंट। निश्चित समय, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम से पहले स्टूडेंट हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बाजार या द मार्केट विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM। 9 AM दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किसका यूज होता है स्टूडेंट, फ्रॉम का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर। और फर्स्ट स्टूडेंट, और क्लासेस बिगेन फ्रॉम फर्स्ट मार्च, की हमारी जो क्लासे हैं वो फर्स्ट मार्च से शुरू होगी। नेक्स्ट, द बाजार विल रिमेन ओपन फ्रॉम 9 AM। बाजार कितने बजे खुलता है, 9 बजे खुलेगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो है ओरिजिन और सोर्स। ओरिजिन मीन्स किसी चीज का उद्गम होना, सोर्स मीन्स स्रोत। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल, द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, कि द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। जो मून है स्टूडेंट वो रोशनी कहां से प्राप्त करता है, लाइट कहां से प्राप्त करता है, सन से करता है। ओके स्टूडेंट, तो स्रोत क्या हो गया, सोर्स क्या हो गया, सन। और सन से पहले, द सन से पहले फ्रॉम का यूज करेंगे, सोर्स से पहले। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। द मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, सूर्य से। ओके स्टूडेंट, और फ्रॉम का अर्थ हिंदी में से होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द गीता, कि ये जो लाइने लाइनी जो ये लाइन्स है स्टूडेंट, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द गीता, जो ये लाइन्स है स्टूडेंट वो कहां से ली गई है, गीता से ली गई है। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग जो लाइन है वो कहां से ली गई है, गीता से ली गई है। ओके स्टूडेंट, ये पंक्तियां, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द गीता, तो फ्रॉम इट मीन्स ये क्या है, प्रीपोजिशन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है कारण, कारण शो करने के लिए, कारण बताने के लिए स्टूडेंट हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। जैसे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं, आई एम सफरिंग, मैं गुजर रहा हूं, पीड़ा से गुजर रहा हूं, कारण क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ फीवर, कारण क्या है, फीवर। ओके स्टूडेंट, तो ये बिकॉज ऑफ शो कर रहा है, कारण शो कर रहा है फीवर से, कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से गुजर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, यह बुखार से पीड़ा हो रही है, तो इससे पहले हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो क्या बताया मैंने, बुखार से, मैं बुखार से पीड़ा महसूस कर रहा हूं या उस पीड़ा से गुजर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो बुखार से, मैं बुखार से गुजर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, प्लेस, प्लेस को शो करने के लिए, स्थान को बताने के लिए, स्थान की तरफ इंडिकेट करने के लिए स्टूडेंट किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन पुट किया कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। ओके स्टूडेंट, तो उसने आंसर दिया, ही कम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, वह न्यू दिल्ली से आता है, या ओके स्टूडेंट, ही कम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, वह न्यू दिल्ली से आता है।
वेयर आई कम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली से हूँ. ओके स्टूडेंट, या क्वेश्चन ऐसे पुट हो सकता है कि वेयर डज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आता है, तो ही कम्स फ्रॉम न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली क्या है, नेम ऑफ प्लेस है. नेम ऑफ प्लेस, इसलिए इससे पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया हमने. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस के समय को बताने के लिए स्टूडेंट किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है. ही विल टीच अस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ही विल टीच अस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, की वह हमें अगले हफ्ते से पढ़ाएगा. ओके स्टूडेंट, तो अगले हफ्ते से, फ्रॉम मीन्स से, इज दैट क्लियर. तो फ्रॉम मीन्स से, और ये क्या शो कर रहे हैं, ही विल टीच अस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते से वह हमें पढ़ाएगा. तो ये जो फ्रॉम वाले हैं स्टूडेंट पॉइंट्स, ये कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट, इंटू इट डिनोट्स मोशन, एग्जाम्पल ही जंप इंटू द रिवर. My teacher is coming into my class. Into का यूज स्टूडेंट, इट डिनोट्स मोशन, गति को शो करता है. ओके स्टूडेंट, इन का यूज हमने किया था स्टूडेंट, स्थिरता को शो करता है. और ये जो है इनटू, ये किसको शो करता है, ये मोशन को शो करता है, गति को शो करता है. कोई भी चीज गति होकर, किसी कोई भी चीज जब बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करती है स्टूडेंट, तो उस टाइम पर हम इनटू का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. एग्जांपल, हिट इट डिनोट्स मोशन. एग्जाम्पल, ही जम्प इन टू द रिवर, उसने क्या किया, ही जम्प इन टू द रिवर, वह नदी में कूद गया. अब स्टूडेंट क्या होता है कि उसने जम्प किया, और स्थान भी रिप्लेस होता है स्टूडेंट, और साथ में क्या होता है, मोशन हुई, गति हुई, गति के साथ उसने जम्प किया. ओके स्टूडेंट, इस टाइम पर हम स्टूडेंट इन टू का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो रिवर क्या किया, ही, ये जो प्रोनाउन है और ये जो नाउन है, इन दोनों में रिलेशन शो कर रहा है कौन, इनटू. ओके स्टूडेंट, और रिवर से पहले हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, क्योंकि ही जंप इनटू द रिवर. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, My teacher is coming into my class. Someone is coming into my class. कोई मेरी क्लास में आ रहा है. तो बाहर से जब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं स्टूडेंट, एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पर हम into का यूज करते हैं. My teacher is coming into my class. तो into क्या हो गया स्टूडेंट, preposition. ये भी स्टूडेंट प्रीपोजिशन, बी मीन्स प्रीपोजिशन. नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है, और किसी अन्य
अदर वर्ड्स के साथ ये अपना रिलेशन शो करता है. नेक्स्ट, टू चेंज बीइंग सैड. एग्जाम्पल, सी ग्रीव इंटू ए ब्यूटिफुल वुमेन. ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश. टू चेंज बीइंग एंड शेप. ओके स्टूडेंट, एक तो शेप में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और कोई भी चीज हम कोई ट्रांसलेट करते हैं तो उस टाइम पर हम इनटू का यूज, प्रीपोजिशन इनटू का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे सी ग्रीव इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट, ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश. ओके स्टूडेंट, इनटू का जो यूज है स्टूडेंट वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हमारा बिटवीन के बीच, बिटवीन का यूज होता है स्टूडेंट, इट इज यूज फॉर टू थिंग्स एंड टू पीपल्स या टू पर्सन्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इट इज यूज फोर टू थिंग्स एंड पर्सन्स. एग्जाम्पल, सी स्टूड between her husband and her son. Distribute these mangoes. Distribute these mangoes between two boys. There is love between both them sisters. ओके स्टूडेंट, बिटवीन का यूज होता है स्टूडेंट, इट इज यूज फॉर टू थिंग्स एंड पर्सन्स. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दो व्यक्तियों और
दो वस्तुओं के बीच में इनका यूज किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल, सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर सन, वह अपने पति और अपने बेटे के बीच में खड़ी थी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन टू बॉयज, कि इन मैंगोज को दो लड़कों में बांटे गए। नेक्स्ट, देर इज लव बिटवीन बोथ द सिस्टर्स, बोथ मीन्स दोनों के लिए, ठीक है, दोनों बहनों में, दोनों सिस्टर्स में, दोनों सिस्टर के बीच में प्रेम है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अमंग, अमंग मीन्स होता है स्टूडेंट काफी, ठीक है स्टूडेंट, कि इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड मोर देन, टू थिंग्स एंड पर्सन्स। अमंग मीन्स होता है स्टूडेंट काफी, दो से ज्यादा व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए अमंग का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इट इज यूज्ड मोर देन टू थिंग्स एंड पर्सन्स। एग्जाम्पल्स, The four brothers quarrel among themselves. These mangoes distribute among three children. The four brothers squared among themselves. Okay student, कि दो से ज्यादा है, फोर है, ओके स्टूडेंट, फोर ब्रदर्स है तो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं, among का यूज करते हैं। The four brothers squared among themselves. Okay student, among preposition हो गया student. प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है स्टूडेंट नाउन और प्रनाउन से पहले, तो ये क्या है, प्रनाउन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, दीज मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट अमंग थ्री चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट, तो थ्री चिल्ड्रन मींस दो से ज्यादा है, तो इस टाइम पर हम अमंग का यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट, बिहाइंड का यूज किया जाता है स्टूडेंट पीछे के अर्थ में, एट द बैक, पीछे। ओके स्टूडेंट, इट इज यूज्ड फॉर
फॉर बैक, इट इज यूज फॉर बैक, पीछे के लिए इसका यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल child hid himself, the child hid himself behind the wall. Okay student, next example. The second is behind the glass. Behind का use student back के लिए किया जाता है, पीछे के अर्थ के लिए, पीछे के लिए किया जाता है. Example, the child hid himself behind the wall. कि जो बच्चा है student वह दीवार के पीछे, दीवार के पीछे खुद को उसने छिपा लिया था. ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, नाउन, और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का यूज, सॉरी हाँ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, द चाइल्ड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल. नेक्स्ट, द सेकर इज बिहाइंड द ग्लास. सेकर होता है स्टूडेंट सेक करना. ओके स्टूडेंट, जो सेकर मीन्स किसी चीज को मिक्स करने के लिए. ओके स्टूडेंट, तो उसे कहते हैं सेकर. द सेकर इज बिहाइंड द ग्लास, जो ग्लास के पीछे क्या है, सेकर है. तो ग्लास क्या है, नाउ. ओके स्टूडेंट, हेयर इज नाउन, और बिहाइंड इज यूज्ड बिफोर, बिकॉज बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन. ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, और इसलिए बिहाइंड इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन. प्री मीन्स प्रीपोजिशन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट वो है अबो. अबो, अबो मीन्स ऊपर. अबो का यूज स्टूडेंट ऊपर के अर्थ में किया जाता है, बट हायर इन प्लेस. हायर इन प्लेस, ओके स्टूडेंट, हायर इन प्लेस के लिए हम अबो का यूज करते हैं. अबो मीन्स ऊपर, ऊपर के लिए अबो का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, द फैन इज हैंगिंग अबोव योर हेड. ओके स्टूडेंट, द फैन इज हैंगिंग अबोव योर हेड, कि आपके सिर के ऊपर क्या है, फैन लटका हुआ है. ओके स्टूडेंट, ये टंगा हुआ है. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर गैप शो करता है स्टूडेंट, और ये एक दूसरे को टच नहीं करते. ओके स्टूडेंट, ये अबो का जब यूज करेंगे स्टूडेंट, अबो का यूज करेंगे तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच नहीं करती है.
ओके स्टूडेंट, एक वस्तु दूसरी वस्तु को टच नहीं करती और इनमें गैप होता है स्टूडेंट, ओके। इसलिए द फैन इज हैंगिंग अबो योर हेड, जो फैन है वो आपके सिर के ऊपर है और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इनमें क्या है, गैप है स्टूडेंट, ओके। तो इसी टाइम उस टाइम पर हम अबो का यूज करते हैं और अबो क्या है स्टूडेंट, प्रीपोजिशन, ओके। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव द विलेज। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबोव द विलेज, विलेज के ऊपर से, गांव के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा है, ओके स्टूडेंट। तो ये गांव है स्टूडेंट, ये एरोप्लेन है, तो इनमें गैप है स्टूडेंट, ओके। इनके बीच में क्या शो कर रहा है, गैप शो कर रहा है, एक दूसरे को ये टच भी नहीं करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो इसीलिए इस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, अबो का यूज करते हैं, अबो मीन्स ऊपर, लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम अबो का यूज करते हैं। His daughter above himself, superior show करने के लिए student, superior show करने के लिए हम अबो का use करते हैं, जैसे कि he married his daughter, okay student, above himself, कि उसने अपनी बेटी की शादी की अपने से ऊपर के लिए, ठीक है स्टूडेंट, अपने से ऊपर के लिए उसने अपनी लड़की की शादी की, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। तो यहां पर अबोव का यूज किया जाता है, सुपीरियर मीन्स अपने से अच्छे, ठीक है स्टूडेंट, कि उसके जो कंडीशन थी उससे बेटर, अपने से बेटर करने के लिए उसने अपनी लड़की की शादी अपने से ऊपर की, ओके स्टूडेंट। तो इन दिस केस हम अबो का यूज करते हैं, ओके। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।